तो भाई ये देखो यहाँ से शुरू करते हैं अपनी वीडियो, और भाई चारों तरफ आपको शूज ही शूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अंदर चलेंगे, पहले मैं आपको दिखा दूँ भाई यहाँ भाई किस तरह शूज बेचते हैं। ठीक है, इधर चलेंगे, ये देखो यहाँ भी देखो वहाँ भी देखो, अंदर चलते हैं थोड़ा। तो लेके आ गया भाई जहाँ मस्जिद चौराहे पर, आपको शूज दिखाऊंगा वो भी ब्रांडेड। यहाँ पर ज्यादातर शूज चोरी के मिलते हैं भाई, जैसे कि मंदिर वंदिर में। तो भाई जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने जहाँ मस्जिद क्षेत्र है भाई, और जिस बाजार के चोर बाजार के नाम से फेमस है भाई वो लगता है इस तरफ। ठीक है, मान लो जैसे ये अपन लेते हैं तो कितने बड़े भैया, ये भैया जैनवन है, आप देख सकते हैं स्पार्क के, भैया पता करते हैं भैया किस प्राइस के पड़ेंगे। भैया स्पार्क के शूज है, आप देख सकते हैं मार्केट में। क्या कोई खास बात भाई इसके अंदर? कौन सी कंपनी का? जिली कोपर का, A6 का है। ठीक है भैया, A6 का बता रहे हैं, ये कितने का पड़ेगा? 1800। अब ये अगर ले शोर भैया जैन मैंने बता रहे हैं भैया नाइकी का। ठीक है, ये देखो भैया इस तरह का रहेगा, क्या बोलते पुमा बोलते हैं, पुमा ओरिजिनल पीस है। ये कितने देंगे भैया जी? एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि भाई यहाँ बार्गेनिंग बहुत अच्छे रेट की होती है, और भाई बिना बार्गेनिंग आप मत लेना। वुडलैंड का, ठीक है, वुडलैंड का दो शूज दे देंगे आपको इस तरह का, मोस्टली वुडलैंड का। ये देखें जी वाला, ये रेड टाइप की जूते कितने देंगे? 300 रुपए की। तो भैया जैन रखते हैं, कॉपी करते हैं, सेकंड हैंड है पर है ओरिजिनल। ठीक है भैया, वो तो नहीं मंदिर के बाहर गायब हो जाते हैं। अच्छा, ये कितने देंगे भाई जी? सर 2200 की नहीं मिलती है। 2200? अबे भाई हार्ट अटैक दे रहे हो तुम यार, 2200 की चप्पल मिलती है यार, कैसी बात हो रही है। ये एडिडास का पीस है, जैनवन है। अब भाई हमें यहाँ पे देखने को मिली इस तरह की ये सैंडल। ठीक है भाई, जैनवन है वुडलैंड की। अबे यहाँ चलते हैं, और यहाँ भैया हमें इस तरह की चप्पल देखने मिली स्पार्क की। मंगल जी कितने देंगे? नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुण ब्लॉग पे। मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण मसी सर आपको लेके आ गया भाई जामा मस्जिद चौराहा, जो आप मैंने पीछे देख रहे हैं भाई, ये जामा मस्जिद क्षेत्र है। आज मैं यहाँ पर आपको शूज दिखाऊंगा वो भी ब्रांडेड। तो भाई आप वीडियो में बताए ना, यहाँ पर ज्यादातर शूज चोरी के मिलते हैं भाई, जैसे कि मंदिर वंदिर में या फिर मस्जिद में जो शूज चोरी जाते हैं वो यहाँ पर सेल होते दिखते हैं। तो भाई आप वीडियो बने ना, मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगा अपनी वीडियो पे। अगर आप यहाँ आना चाहते हो सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन आपको जामा मस्जिद पड़ेगा, गेट नंबर 4 और गेट नंबर 2, और ठीक उसी के साथ में ये मार्केट लगना शुरू हो जाती है। तो चलो अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमारी ये वीडियो आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने जामा मस्जिद क्षेत्र भाई, और जिस बाजार की मैं बात कर रहा हूँ जो कि चोर बाजार के नाम से फेमस है भाई, वो लगता है इस तरफ। तो भाई हम चलेंगे इस तरफ, और जो भी सामने आएगा मैं आपको दिखाता रहूंगा। मैं आपको जामा मस्जिद पहले इसलिए लेके आया ताकि थोड़ी आपको निशानी मिल जाए। वो भाई फेमस ही जामा मस्जिद चोर बाजार के नाम से फेमस है ये मार्केट। तो चलो भाई अंदर चलते हैं, जो भी सामने आएगा वो हम सब कुछ कवर करते हुए चले जाएंगे। तो भाई हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। शुरू में भाई हमें इस तरह के भाई यहाँ पे मार्केट देखने को मिले शूज ही शूज। इधर देखो भैया, पता करने की कोशिश करते हैं किस किस रेट के हमें ये शूज देखने को मिल जाते हैं। भैया जी किस किस प्राइस के शूज हैं? अलग अलग रेट के। मान लो जैसे ये अपन लेते हैं तो कितने पड़ेगा भैया जी? ये 1200। जैनवन है? जैनवन पीस बता रहे हैं भैया। ठीक है, और ये भैया बता रहे हैं 1200 रुपए का। ठीक है, इस तरह का भैया जी ये वाला 1500 रुपए बता रहे हैं। भैया जैनवन है, आप देख सकते हैं भैया 1500 का बता रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत से रनिंग शूज रखे हुए भैया ने ज्यादातर। ठीक है भैया, कुछ बार्गेनिंग कर लेते हो या फाइनल ही है? बार्गेनिंग होती है। अच्छा, बिना बार्गेनिंग के नहीं होता मामला है, बार्गेनिंग तो हो ही जाती है। तो भैया हमारे भैया कर लेते हैं, ज्यादातर भैया ने नाइकी के रखे हुए हैं। ठीक है, और सारा जेन्युइन मामला भाई। ये देखो भैया बिल्कुल लाल लगे सामने बैठे, अच्छा लगा भैया से मिलके। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। यहाँ भैया हमें शूज मिले स्पार्क के, भैया पता करते हैं भैया ये किस प्राइस के पड़ेंगे? 500 रुपए के। भैया स्पार्क के शूज है, आप देख सकते हैं मात्र आपको 500 रुपए के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। भैया ये जेन्युइन है ना सारा? जेन्युइन मामला। ये भैया जी ये सेम रेट है? तो भैया देंगे सेम रेट है, 500 रुपए बता रहे हैं भैया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है। भैया इधर यहाँ पे इस तरह के बूट मिल जाएंगे, इधर पता करते हैं भैया किस प्राइस रहेंगे बूट ये? देख लीजिए आपको कौन कौन से लेना है, अलग अलग। अच्छा, वैसे ये कितने पड़ेगा भाई जी? 800 रुपए का। कोई खास बात भाई इसके अंदर? नहीं कुछ खास बात 800 रुपए होने का। कौन सी कंपनी का? जिली कोपर का। जिली कोपर का है, अच्छा भाई ये वाला? ये भी जिली कोपर का है। अरे ये कितने देंगे? 1000 रुपए का। ये 1000 रुपए का, 700 रुपए का। अच्छा ये भैया 700 रुपए बता रहे हैं। अच्छा भैया इस तरह भैया के रेट है हमारे भाई के, तो भाई से मिलके अच्छा लगा। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता भाई इस मार्केट में। यहाँ भाई चारों तरफ आपको शूज ही शूज देखने को मिलेंगे जब इस तरफ आएंगे। तो यहाँ एक भैया और है, यहाँ ही पता कर लेते हैं भैया क्या क्या प्राइस शूज दे रहे हैं। भैया किस किस प्राइस शूज हैं?
अलग अलग रेट है। मान लो जैसे ये पकड़ लेते अपन, ये हजार रुपए का है। जेनुइन रहेगा भाई नाइकी का? ये तो कॉपी है। कॉपी है, 1800 का है वो ओरिजिनल। तो भैया ये कॉपी भी रखते हैं और जेनुइन भी रखते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट कॉपी वाला सीन है। तो भैया कॉपी वाला सीन बता रहे हैं, ठीक है? और देखते हैं जेनुइन वाला कौन सा बताया भैया, ये वाला? अच्छा, ये कौन सी कंपनी के भाई साहब? A6 का है, ठीक है भैया। A6 का बता रहे भैया, ये कितने का पड़ेगा? 1800 का। अभी ये अगर ले शोर 6000 का है। दुकान में 6000 का है, क्या बात है। हमारे भैया आपको 1800 का दे देंगे। A6 का शूज है, ठीक है। और भैया कुछ बार्गेनिंग कर लेते हैं, फाइनली थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो हमारे भाई बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, ठीक है भैया। कॉपी भी रखते हैं और जेनुइन भी रखते हैं, ठीक है। इस तरह के हमारे भाई हैं। और भाई यहाँ चलते हैं, यहाँ भी भैया हमें इस तरह शूज देखने मिले, ठीक है। आप देख सकते हो भैया, जेनुइन है, जेनुइन बता रहे हैं भैया, नाइकी का, ठीक है। ये देखो भैया, इस तरह का रहेगा जेनुइन शूज नाइकी। भैया कितने देंगे? 1500 रुपये का। तो भैया 1500 रुपये का भैया बता रहे, ठीक है। ये इस पूरा, और भैया ये वाला भैया, ये वाला कितने देंगे? 800 रुपये। कॉपी है ये? कॉपी है भाई, ठीक है। इस तरह भैया शूज रखते हैं। इसे बगल में भैया और हैं, यहाँ ही पता कर लेते हैं। भैया ये कितने देंगे भैया, ये वाला शूज? 1700 रुपये का। कुछ खास वजह भैया जी? न्यू मॉडल है भैया, 1700 बता रहे हैं। भैया एक चीज़ बताओ कुछ, यानी कि बार्गेनिंग कर लेते हो या फाइनली बताते हो आप? बार्गेनिंग होती है। मान लो फाइनल कितना दे देंगे भैया जी आप? 1000 रुपये दे देंगे। तो भाई 1000 रुपये तक का हमारे भाई दे देंगे भैया। और कौन कौन से मॉडल रखे हैं भैया आपने? ये देखो पुमा, क्या बोलते हैं, पुमा बोलते हैं, पुमा, पुमा ओरिजिनल पीस है। ये कितने देंगे भैया जी? 1300 एक रेट देंगे भैया, ठीक है, 1300 का। और भी बहुत से मॉडल है हमारे भाई के पास। ये देखो, ये रनिंग शूज है नाइकी, ये भैया जी 700 रुपये का, ठीक है भैया। फाइनल बता रहे हो ना, ये इसमें भी कुछ फाइनल बता रहे हैं भैया, ठीक है। और काफ़ी शूज़ है भैया, ज़्यादातर भैया ओरिजिनल रखा हुआ, कॉपी वाला सीन नहीं है, ओरिजिनल शूज़ है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट के अंदर। और भाई कभी भी आप यहाँ शूज़ लेने आओ तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि भाई यहाँ बार्गेनिंग बहुत अच्छे रेट की होती है। और भाई बिना बार्गेनिंग आप मत लेना, बहुत ज़्यादा बताएंगे, पर आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको अच्छे प्राइस में ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पता करते हैं भैया से, भैया जी किस किस प्राइस के शूज़ हैं भैया जी? ये कितना पड़ेगा? 850 इवोक का है, जेनुइन है भैया जी, कॉपी है। तो भैया जी कॉपी बता रहे हैं, 800 रुपये का बता रहे हैं, ठीक है। रिवॉक की कॉपी बता रहे हैं, ये एडिडास की, ये सारा कॉपी मामला भैया जी। अच्छा भैया कितने कितने दे, सारा कोई सा भी 800 का है? कुछ कम ज़्यादा हो जाता है फाइनल दे रहे हो जाता? कितने रहते हैं भैया जी लास्ट? ये 600 रुपये। तो भैया लास्ट लग जाएगा 600 रुपये हमारे भाई दे रहे हैं। अच्छा लगा भाई से मिलके। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। इधर देखो भाई, शूज ही शूज है चारों तरफ। तो यहाँ चल के पता करते हैं यहाँ किस किस प्राइस के शूज हमें देखने को मिलते हैं। ये देखो यहाँ चलते हैं भाई, भैया पता करते हैं भैया जी ये शूज कितने का देंगे भैया जी? 2000 का वुडलैंड का, ठीक है, वुडलैंड का 2000 का शूज दे देंगे आपको इस तरह का। और भैया सारा भैया का ब्रांड वाला माल है, मोस्टली वुडलैंड का। ये देखें भैया जी वाला है, भैया जी ये वाला कितने देंगे? 1500 रुपये भाई, वुडलैंड का शूज है और आपको ये 1500 का मिल जाएगा, ठीक है। रेड टाइप का ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। काफ़ी भैया का वैरायटी है, ठीक है, ज़्यादातर वुडलैंड का ही देखने को मिलेगा। ये देखो भैया जी वाला 2000 रुपये का। तो भैया इस तरह के भैया का शूज़ हैं भैया जी, कुछ कम ज़्यादा हो जाता है हो जाएगा ना? तो भैया कुछ कर भी लेते हैं भैया, ठीक है, ऐसी बात नहीं। जब आप आएंगे तो इसके बगल में आपको इसी तरह की चीज़ मिल जाएंगी। यहाँ भी लेदर की भी आइटमें रखी हैं, वुडलैंड की रखी हुई हैं, रेड टैप की रखी हुई हैं। भैया पता करते हैं भैया जी, ये रेड टैप की जूते कितने देंगे? 300 रुपये की। तो भैया 300 रुपये की आपको ये रेड टैप की जूती देखने को मिल जाएंगी। और देखते हैं भैया, ठीक है, ये भी है वुडलैंड का 1700 रुपये, ठीक है। जेनुइन है भैया जी? जेनुइन ही बेचते हैं भाई, भाई का कहना है भाई जेनुइन ही बेचते हैं, ठीक है। और देखते हैं, ये देखो भाई साहब, ये देखो रेड टैप का एक शूज और आ गया, ये देखो वुडलैंड का भैया जी वाला 1400 रुपये का, इस तरह का रहेगा, ठीक है। वुडलैंड का आइटम है ज़्यादातर भैया के पास। भैया जी फाइनल है या कुछ कम हो जाता है? हो जाता है तो हाथ मिलाओ उसी बात पे। अच्छा लगा भाई से मिलके। और आगे बढ़ते हैं, तो भाई जहाँ मैं हूँ वहाँ भैया चारों तरफ शूज ही शूज देखो है, इस तरफ इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट के अंदर भाई। हाँ भाई यहाँ हमें बहुत सारे भाई मिले इस तरह आप देख सकते हैं। अब यहाँ भैया से पता करते हैं शूज हैं भैया के पास, ठीक है। और भैया सारा जेनुइन मामला है? हाँ जी जेनुइन होता है, कॉपी कॉपी है, जेनुइन दोनों रखते हैं।
ज्यादा में रखते हैं कॉपी रखते हैं, सेकंड हैंड है पर है ओरिजिनल। ठीक है भैया, वो तो नहीं मंदिर के बाहर से गायब हो जाते हैं। अच्छा अच्छा भैया, ये कितने देंगे शूज? ये 700 रुपए का ये शूज आपको देखने को मिल जाएगा। जेन्युइन मामला भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे स्कैन स्कैन भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब तो भैया ये 700 बता रहे हैं। भैया जी और कौन से आपके पास? रिबॉक का। कौन, क्या नाम बताया? रिबॉक। रिबॉक, हाँ रिबॉक का भी भाई। ये कितने देंगे भाई जी? 800 रुपए का हमारे भाई ये शूज आपको यहाँ पे दे देंगे। और भी भैया जी आपको झूले झूले में यही आज यही लेके आए हो? अच्छा भैया जी, कुछ डिस्काउंट उस्काउंट है कुछ? यहाँ हो जाएगा। मान लो मैं, ये शूज कितने पड़ जाएगा? लगभग 500 रुपए पड़ जाएगा भाई। काफी अच्छा लगा भाई से मिलकर। आपका शुभ नाम क्या रहेगा भाई जी? अनिल कुमार हमारे भाई जी हैं। और आगे बढ़ते हैं, और ऐसे हमारे बहुत से भाई हैं। ये देखो एक भाई है, भाई जी आप कितने दे रहे हैं शूज? 500 का दे रहे हैं। अच्छा ये भैया जी जैन है, कॉपी है भाई। ठीक है, इस तरह की भैया दे रहे हैं पूमा, ये कॉपी है। भैया जी कितना दे देंगे लास्ट ईयर फाइनल? 400 रुपए, 350 नहीं लगाएंगे। चलो ठीक है, ये हमारे भाई है जो 400 रुपए लगा देंगे। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है भाई यहाँ भी हमें। अच्छा ये कितने देंगे भाई जी? ये सर 2200 की नहीं मिलती है। 2200? अबे भाई हार्ट अटैक दे रहे हो तुम यार। 2200 की चप्पल मिलती है यार, कैसी बात कर रहे हो? सही में क्रॉक्स की ओरिजिनल चप्पल। अच्छा ओरिजिनल चप्पल है भाई, कौन सी? क्रॉक्स। ठीक ठीक है, ये यानी कि शोरूम में 2200 से शुरुआत है। आप कितने दे रहे हैं? हम सर 500-600 में दे देते हैं भाई। काफी अच्छा लगा, मैं तो मजाक समझ रहा था कि भैया मजाक कर रहे हैं, पर भैया ये शोरूम में 2200 की चप्पल है जो कि भैया आपको 400-500 में प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा और देखते हैं भैया जी, और क्या क्या रखा है आपके पास? ये एडिडास का पीस है, जेन्युइन है। ये कितने देंगे? ये सर 700 रुपए का पड़ेगा। वैसे शोरूम में 700 रुपए पड़ेगा शोरूम में, यानी कि 3500 रुपए का। अच्छा पुराना आर्टिकल हो चुका है। ठीक है, इस तरह के भैया कंपनी, ये भी कंपनी के भाई जेन्युइन? 350 वाला माल है। अच्छा ये नहीं वो आ रहा है, कॉपी ऑफिस है, 350 वाला माल भैया के पास है। ठीक है, ब्रांड और कॉपी में फर्क होता है, क्या बात है। क्योंकि पुराने में, अच्छा ये आप 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 भी कॉपी बेच रहे हैं क्या? आप कितने दे रहे हैं? आप कितने दे रहे हैं? बंदा मान जाए भाई, चलो बहुत बढ़िया व्यापार है ये, तो व्यापार है भाई, ये चलता रहता है। ठीक है, धंधा है, क्या बात है। और आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक हम आ चुके हैं और चारों तरफ मेरे शूज ही शूज हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। ये देखो, यहाँ देखो, अभी 2-4 भाइयों से हमने बात की थी, मुलाकात की थी, यहाँ भैया शूज मिल जाएंगे इस तरह के। देखो कितना सुंदर लग रहा है भैया जी। ये कितने देंगे आप येलो पीस? 1000 रुपए का। तो भाई ये वाला शूज जो है आपको देख सकते हो, नगिया 1000 रुपए बता रहे हैं भैया। ठीक है, और भी बहुत से शूज है, ये रिबॉक का देखो। ठीक है भैया, है तो जेन्युइन या फिर कॉपी है? कॉपी है तो भैया, ये फर्स्ट कॉपी है भैया। ठीक है, कोई सा भी 1000 रुपए का है तो भैया बता रहे हैं 1000 रुपए का। और आगे बढ़ते हैं, एक भाई है ये भी बेच रहे भैया। आप कितने दे रहे हैं शूज? 950 कुछ खास बात भाई इसमें? ये क्वालिटी अच्छी है, तो जेन्युइन है वो कॉपी है? बढ़िया चीज है। अच्छा बढ़िया चीज है, ठीक है भाई। चलो भाई इस तरह के दे भाई, कुछ कम हो जाएगा फाइनली? हाँ हो जाएगा। कितने दे दोगे लास्ट? ये लास्ट 600 रुपए का, तो भाई दे देंगे लास्ट 600 रुपए का। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें और क्या देख रहे भाई। यहाँ मुझे शूज है ना, यानी कि 300 रुपए लेके 1000-1200 तक के शूज हमें देखने को जहाँ मिले। भैया जी ये आप कितने दे रहे हैं शूज? ये ठीक है, पर आ जाइए भाई ध्यान से। हाँ भैया जी कितने दे रहे हैं शूज आप? देख लो आप कौन सा पसंद है आप। नहीं मैं तो केवल यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था भाई जी। 500 का भी, 800 का भी, सभी तरह के शूज हैं आपके पास? चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब भाई हमें यहाँ पे देखने को मिली इस तरह की ये सैंडल। ठीक है भाई जी, जेन्युइन है ये बुलंद की? ये कितने देंगे? 1200 रुपए। शोरूम में भैया जी क्या कीमत होगी इसकी? 3200 की शोरूम में। और भैया हमारे भाई यहाँ आपको दे देंगे 1200 रुपए के अंदर। ठीक है, 3200 शोरूम के अंदर है। और देखते हैं भैया ये रेड टेप वाला कितने देंगे? रेड चीप 1500 रुपए का, ये रेड चीप आपको 1500 रुपए का भैया शूज दे देंगे। ठीक है, और देखते हैं भैया के पास ये रेड टेप वाला भैया जी 1100 रुपए। तो भैया इस तरह के हमारे भैया शूज रखते हैं। ठीक है, और भी देखते हैं आधा पीस और देखने को मिल जाए तो। ये कौन सी कंपनी के भैया जी? चीप का। ये कितने देंगे? ये कितने देंगे? 1400 रुपए। और भैया ये वाला 1600 गोल्डन का 1600 रुपए का। अच्छा भैया एक चीज़ और बता दो, कुछ बार्गेनिंग हो जाता है या फाइनल है? हो जाता है। चलो भैया बार्गेनिंग भी हमारे भाई कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं और हमें क्या देखने को मिलता है हमारे भाई जी, भाई से मिलके अच्छा लगा।
और आगे बढ़ते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ देखते हैं हमें और क्या देखने को मिलता है खास इस मार्केट में। और भाई यहाँ चलते हैं, और यहाँ भैया हमें इस तरह की चप्पल देखने मिली स्पार्क की। मंगल जी कितनी देंगे? 250 रुपए की। ये जेन्युइन है? ये जेन्युइन बता रहे हैं, ठीक है। स्पार्क की चप्पलें, ये कोई सी भी ले 250 की है भैया, कोई सी भी चप्पलें लें आपको 250 रुपए की है। ये स्लीपर भैया जी 450 रुपए की, 450 रुपए, 450 की स्लीपर मिल जाएगी आपको ये वाली। और ऐसी बहुत सी रखी है भैया ने स्लीपर बच्चों की। ये बच्चों की नहीं देंगे भैया जी? 250 रुपए की हमारे भैया जी। इस तरह की आपको यहाँ पे चीजें दे देंगे भैया जी। एक चीज और, कुछ बार्गेनिंग हो जाती है फाइनली, है कुछ कम हो जाएगा? मान लो 250 वाली कितनी दे देंगे आप चप्पल? 150 रुपए। तो भैया फाइनल में ना 150 आपको यहाँ पे भैया दे देंगे, ठीक है। अच्छा लगा हमारे भैया से मिलके। तो भाई ये थी आज की वीडियो, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपने भाई पे प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।